रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं सारी दीवारें इन क्यूट बच्चों की तस्वीरों से भर दूंगा ताकि सुबह जब तुम उठो और इनकी तस्वीरें देखो तो हमारा बच्चा भी इनकी तरह क्यूट। फिर अपनी फोटो लगा दो। लगा देता हूँ। लेकिन अनुज अभी ये सब करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अभी तो किसी को बताया भी नहीं है। तो बता देते हैं ना। जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के बाद ही सबको बताएंगे। तब तक के लिए कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। कुछ नहीं अनुज। Are you sure? कुछ अनुज कुछ भी नहीं। तुम्हें बोला था ना कोई काम नहीं करने। बैठो, छोड़ो ये। मुझे दूध नहीं पीना है यार। के थोड़े थोड़े डाल के जमा कर लिए। कहते हैं इश्क में दर्द बहुत है, थोड़े थोड़े बांट के दवा कर लिए। ये इश्क अब ले जो इंतहा, देने चले हम बेपरवा। चाय की वो टपरी पे भीगी भीगी छतरी में इश्क ये बढ़ता जाए। सोंधी सोंधी सर्दी में बातों की ये ना। कब पे लड़ा रहे थे इतनी देर से? अरे सौरभ और जीनिया को बताया, दोनों ऐसे खुश हो रहे थे जैसे उन्हें बच्चा हो रहा हूँ। और सौरभ भी कमाल है, कहता है कि टैक्सी वाले से कॉन्डोम लेगा तो एक्सीडेंट तो होना ही था। तुमने उन्हें ये बात भी बता दी? हाँ, दोस्त है। मतलब सारी डिटेल्स? हाँ। क्या? अरे नहीं यार। अच्छा, उसके बाद मेरी मालकिन से बात हुई तो आज रक्षाबंधन का त्योहार है ना, तो संभाल के। तो मैंने कहा कि सबको मालकिन के वहाँ बुला लेते, त्योहार भी मना लेंगे और सबको खुशखबरी भी बता देंगे सब एक साथ। हाँ, तुम अनिकेत से बात कर लो, अच्छा मौका है। अनिकेत और श्रेया आपस का जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर लेंगे। आई होप ऐसा ही हुआ। ऐसा ही हुआ। चलो गायना के यहाँ चलते हैं और फिर वहाँ से सीधा मालकिन के वहाँ। चल, संभाल के। बच्चा करू हमारा बच्चा कैसे एकदम हीरे से भी छोटा, उससे भी ज्यादा खास ना। यस एंड योर डाई सिस्टर डाई। One more round through. Yes. अरे त्योहार के दिन भी तुम दोनों ये लेकर बैठे हो। Mom. What festival, Mom? I mean, अब एक festival मुझे पता है कि मैं अपने भाई से कितना प्यार करती हूँ। Why this validation every year? क्योंकि प्यार बांटने से बढ़ता है। मैंने अनुज और गौरवी के परिवार को इनवाइट किया है, वो लोग आते ही होंगे। साहब आपके आने की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली ऊपर से? हाँ मैम, ऋषि मेरा छोटा भाई है। एक काम करो, आप मालकिन को मतलब पद्मिनी जी को कह दीजिए कि मैं आया हूँ, तो बताएंगे आपको। जी सर। पूरी फैमिली को इनवाइट करने की क्या जरूरत थी? सिर्फ मोटा भाई को इनवाइट कर लेते। जरूरत थी श्रेया, करने को तो ये काम तुम्हें करना चाहिए था, लेकिन तुमने ना किया तो मैंने पहल की है। आप अंदर आइए सर। आओ। अनी, आने के लिए थैंक यू। चल चल ब्रो, लेट्स गो। मॉम को बुरा लग जाएगा। और वैसे भी ये मौका है मेरे लिए कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस पूरा करना। लेट्स गो। आई एम इंटरेस्टेड नाउ। मालकिन, ये कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स है जो मनित ने रिलीज करवाए पापा के नाम के थे तो। अरे वाह, पर मुझे क्यों दे रहे हो? उनका जो भी है वो तुम तीनों बच्चों में बराबर बटेगा। मालकिन, मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ।
मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये ऋषि और शिया के लिए रहने दो। शिया तुम्हारे आईज में तुमने लेजर फिट किया है क्या? कि यू लुकिंग एट देम एज इफ यू वांट देम टू एक्सप्लोड। विश ऐसा कोई गैजेट होता। आई डोंट नो हाउ दीस पीपल आर सो इमो ऑल द टाइम। एंड लुक एट हर, इसकी जैसी लड़की को रोहित कैसे मिल सकता है? बट नॉट फॉर लॉन्ग। आई एम बोर्ड। अरे एवरीवन लेट्स सेलिब्रेट ना, इट्स कोई ड्राई डे तो नहीं है। कम ऑन लेट्स हैव सम ड्रिंक्स। ऋषि आज रक्षाबंधन का दिन है तो मतलब। अरे भाई त्योहार के दिन इन माय हाउस तो सेलिब्रेशन होगा ही ना। भाई बहन का त्योहार है, भाई भी पिएगा, बहन भी पिएगी। गौरवी जी नो थैंक यू। जो ब्लू ब्रेसलेट मुझे दिया था वो दे दो ना। आई एम श्योर शी लाइक इट। हम दोनों की टेस्ट कुछ ज्यादा ही सिमिलर। राइट आस्मा? Okay, chill now. Whatever. Do whatever the rest of it. This is for you. Thank you. What have I up? Gift for? Yeah. मोटा भाई इट्स ओके, रहने दीजिए ना। क्यों? मुझे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में पता है, सो आई मीन मैं भी इस फेज से गुजर चुकी हूँ, सो मुझे पता है इट मस्ट बी हार्ड। सिर्फ मेरा आशीर्वाद समझ के दे। थैंक यू। भाई चले गए यहाँ से, इट्स ऑलरेडी वेरी इंसल्टिंग। थोड़ी देर रुक जा, चलते हैं। और अनुज भी चाहते हैं कि तू और श्रेया एक बार बात कर लो। देखो श्रेया, मैं जानता हूँ कि अनिकेत और तुम्हारे बीच में बहुत झगड़े चल रहे हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा लड़का है। फिर शायद शायद उसे ऑफिस में कोई एक लड़की है, शायद मतलब पसंद है शायद। लड़की? नाउ आई गेट इट। उसे डिवोर्स चाहिए? अरे नहीं, डिवोर्स नहीं, वो तुमसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना है। देखो तुमसे बात करेगा, तुम शांति से उसे सुनना। हाँ देखो उसने यहाँ आके बहुत समझदारी दिखाई है। उसने नहीं, उसकी समझदारी नहीं है, आप लोगों की समझदारी। उसे फोर्सफुली लेके आए आप यहाँ पे बात करने के लिए। आई डोंट वांट टू। देखो शादी में दूरी आई है, लेकिन एक दूसरे से बातचीत करके सब खत्म करो ना, तो प्लीज। आपका फेवरेट लेंगे? हाँ अरे हाँ, लेकिन एकदम छोटा बनाना। नहीं सच कहता हूँ, फ्री वाली दारू ना मुझे सूट नहीं होती, जल्दी चढ़ जाती है। अजब ही नहीं। देखो हाँ छोटा। चलो ना बेटा चलते हैं अभी। हाँ तैयब हमें चलना चाहिए। माँ एक बार श्रेया और अनिकेत की बात हो जाने तो फिर चलते हैं। मैंने श्रेया को समझाया है कुछ, मतलब लगता है शायद कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कैसी हो? How does it matter to you? ये बात तुम मुझसे कह रही हो, कभी अपने अंदर झांक के देखा है? Excuse me. शायद ताई ने कहा है इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मालकिन से मिलने का मन हुआ और आज त्योहार का दिन भी है, तो सोचा कि आज के दिन से बेहतर क्या होगा, इसलिए चला आया मैं। Thank you for the papers. Finally आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये मेरी मेहनत है एंड आई डिजर्व इट। इसी छोड़ना है, आज के दिन झगड़ा नहीं करते। झगड़ नहीं रही हूँ, सिक्का
ऑब्जर्वेशन है। मैंने तुम्हें क्या छोड़ा, तुम्हारा तो असली क्लास नजर आने लग गया। ओके आई अंडरस्टैंड, ये कन्वर्सेशन कहीं जा नहीं रही है तो बात करके कोई फायदा नहीं है। अनी अब क्या करें, हमारे बीच तो सिर्फ यही होने वाला है कन्वर्सेशंस। बात तो कर रहे हैं, आई होप सब ठीक हो। सब ठीक होगा, टेंशन मत लो। काफी नजदीकियां बढ़ रही है किसी से। तुम्हारी कैटेगरी की है ना वो लड़की जिसके साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है? श्रेया मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा है। दीप्ति मेरी ऑफिस कलीग है, वी आर फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स। मुझे नहीं पता था तुम वापस आ रही हो। तुम मूव ऑन कर लिया? नो नॉट एट ऑल। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि हम हमारे इस रिश्ते को एक मौका और दें। नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट स्टूपिड। उस कचरे से बाहर निकल के वापस उसी कचरे में जाऊं? इनफैक्ट तुम किसी और के साथ हो ये सुन के आई वाज काइंड ऑफ रिलीव्ड। यार तुम मेरे साथ नहीं रह सकती, मुझसे अलग नहीं रह सकती, मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे दी थी? पागल हो क्या, इतनी आसानी से तुम्हें फ्री वे दे दूं? पहले तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, तुम्हें अस्मी और रोहित की शादी तो करनी होगी। Are you mad? मैं तो तब थी, I mean रोहित and I were just perfect for each other. But मैं तुम्हारे kickboxing और restroom की hotness की वजह से पागल हो गई। Anyways, तुम बस ये शादी तोड़वा दो। श्रेया, अस्मी को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, okay? अरे, मैं बीच में कहाँ ला रही हूँ? इनफैक्ट मैं बीच से हटा रही हूँ उसको। देखो तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है, सोच लो, इट्स नॉट अ बैड डील। मुझसे पीछा छुड़ाना है तो मेरे लिए एक अच्छे बंदे का अरेंजमेंट कर दो, फिर तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। प्रॉमिस, डिवोर्स और कुछ नहीं। तो मालकिन हम धीरे धीरे हमारे घर में सेटल हो रहे हैं, छोटा है पर मतलब अगर आप चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो। बिल्कुल, गलत सही जो भी हो, पर ये दोनों भी मेरे बच्चे हैं। पता नहीं मैं इन लोगों को सही रास्ता दिखा पाऊंगी या नहीं, पर यहाँ रहकर कोशिश कर रही हूँ। सही कह रहा आप मालकिन, ऋषि का मुझे पता नहीं लेकिन श्रेया को आपकी बहुत जरूरत है। तो मुझे डिच करने की सोचना भी मत। आई फक योर लाइफ अप, एंड इफ यू वांट टू गेट by that girl for the rest of your life, तो फिर तुम अपनी बहन से कहो कि रोहित की जिंदगी से निकल जाए। I want Rohit back. Wow. प्यार पाना चाहती हो पर किसी का प्यार छीन के। Fine. तो मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो I am also good. ताई ने कहा इसलिए तुमसे बात करना है वरना तुम्हारी शक्ल तो मैं कभी पलट के भी नहीं देखता। मैं भी देखता हूँ तुम मुझे डिवोर्स कैसे नहीं देती। मेरी बहन खुश है? Of course, खुश तो होगी ना, इतना बड़ा हाथ जो मारा है। गोल्ड डिगर, और तुम, तुम्हारी वो बड़ी बहन सीन। तुम कितनी भी कोशिश कर लो श्रेया, मुझे प्रोवोक नहीं कर सकती। सो जस्ट रिलैक्स। अनिकेत, नो प्लीज, डोंट डू दिस अनिकेत, अनिकेत प्लीज, प्लीज मत मारो मुझे, अनिकेत। किस रॉन्ग डिड यू? शॉक लगा ना? न्यूयॉर्क से एक्टिंग कोर्स करके आई थी। आई एम सो गुड, आई मीन यू नो, एक महीने बाद तुम्हारे घर में तो यही कर रही थी, चैलेंजिंग था। But I'm just so good. Aniket, Aniket, मत मारो मुझे, please मत मारो Aniket. Leave my hand. No. Aniket, stop. I love you so much. क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? क्यों कर रहे हो तुम? Please Aniket, don't go. I'm warning you Aniket. अपनी बहन को समझा दो। वरना ऐसा तूफान लाऊंगी ना तुम्हारी जिंदगी में, तुम उसे सर्वाइव नहीं कर पाओगे। Enough श्रेया, तुमसे डिवोर्स भी नहीं लूंगा और उससे शादी करूंगा जिसको मैं चाहता हूँ। You know why? Because you are a psycho. Don't talk to my sister like this in my house, okay? Please, stay away. मुझे धमकी दे रही है कि अगर मैंने अस्मी और रोहित को अलग नहीं करवाया तो मुझे डिवोर्स नहीं देगी। मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। आप क्या चाहती है, मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन ना करके इस लड़की के साथ रहूं? देखा नहीं, हम सिर्फ इतना चाह रहे थे कि तुम दोनों अपने रिश्ते को एक मौका दो, लेकिन अगर वो तेरे साथ नहीं रहना चाहती तो तुझे अपनी आगे की लाइफ में सफर करने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके,
गौरवी, तुमने अनिकेत को क्या एडवाइस दी कि वो श्रेया को छोड़ दे? पता है उसे श्रेया को कहा कि वो उससे प्यार नहीं करता है? अनुज, श्रेया ने खुद अनिक को कहा है कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, तो फिर हम उनको हम फोर्स तो नहीं कर सकते ना? और फिर जिस तरह से उन दोनों ने साथ में रहने का डिसीजन लिया था, उसी तरह से वो अलग होने का डिसाइड कर रहे हैं, एंड आई थिंक दैट्स ओके। करो ये रिश्ते इतने हल्के तो मान लिए, जब मन चाहे जोड़ लिया, पसंद नहीं आया तो तोड़ लिया, बस। नहीं अनुज, मैं ऐसा नहीं सोचती, ये बात आप भी जानते हैं, वरना मैं अनिक को कभी नहीं बोलती यहाँ पे आके श्रेया से बात करने के लिए। और जिस तरह से श्रेया ने अनिक से बात की, उसके बारे में कहा, उसके बाद मैं अनिक को नहीं बोल सकती इस रिश्ते को और एफर्ट देने के लिए। मतलब तुम्हारा भाई सही है और सारी गलती मेरी बहन की है, बस, है ना? तुम मुझसे झगड़ा क्यों कर रहे हो अनुज? मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूँ। तुमने अपनी टोन देखी है, तुम चिल्ला रहे हो मुझ पे। अनुज, मुझे इस बारे में झगड़ा नहीं करना है। गौरवी, I'm sorry, मैं तेज बोला, चिल्लाया। देखो, चाहे मेरी बहन की गलती हो या तुम्हारे भाई की, सच हमें पता नहीं, तो इसी हमें एक दूसरे पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। और जैसा तुम कहती हो कि इन सब में सबसे ज्यादा जरूरी है हम दोनों, कभी हमारे बीच में कुछ बुरा होगा तो इसका सीधा असर पड़ेगा इस पर। और फिलहाल हमसे भी ज्यादा जरूरी है हमारा बच्चा, है ना? श्रेया कहाँ है? वो ऋषि के साथ चली गई, पर तू उसकी चिंता मत कर। अनिकेत की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप मन माफी मांगे, अनिकेत ने यहाँ आकर बात करने की कोशिश की, वही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। वो हमें आपको एक गुड न्यूज़ देनी थी। नहीं, मैं बताऊंगी। ताई और जीजू मम्मी पापा बनने वाले हैं। क्या क्या? कांग्रेचुलेशंस। म्हणजे मी आजू मां। गौरवी। हाँ? अरे इतनी रात को कहाँ जा रहे हो आप? एक डिलीवरी है। तो किसी और को भेज दो ना। नहीं नहीं, कीमती ही ना, खुद जाना पड़ेगा। अब पैसे कमाने हैं तो काम तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो आराम से जाना, जल्दी आना। क्या कहूँ गौरवी से, अनिकेत जो कर रहा है उसके लिए मैं उनसे लड़ भी नहीं सकता। और ये भी तो पता नहीं कि श्रेया जो कह रही है वो सच भी है या नहीं। उसने मेरे साथ गलत किया है तो वो अनिकेत के साथ भी तो गलत कर सकती है। एक बार विश्वास तोड़ा है तो दोबारा नहीं तोड़ेगी, इस बात की क्या गारंटी? सच तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन मेरी बहन रो रही थी। और फिर अनिकेत की ज़िंदगी में वो लड़की है ही, शायद आज जिस जगह मैं हूँ सबके साथ होता होगा। एक तरफ मेरी पत्नी और दूसरी तरफ मेरी बहन, ऐसी सिचुएशन में क्या करे कोई? क्या अनुज, क्या कर रहे थे तुम उस रात? तुम गौरवी और अपने बच्चे के बारे में सोचने के बजाय अनिकेत और श्रेया के प्रॉब्लम के बारे में सोचने लगे, उनके बारे में सोचने लगे जो तुम्हारे बारे में सोचते ही नहीं। घबराहट में इंसान गलतियाँ करता रहता है और उन गलतियों की वजह से जिंदगी भर भुगतता रहता है। डायमंड्स नहीं जानते थे तुम कि हर बार खुशियां लाने वाली बारिश इस बार तूफान लेकर आएगी। कहाँ ढूंढूं उस ऑटो वाले को? हाँ लालवानी सर, हाँ बस पहुंच ही रहा हूँ। हाँ हाँ,
आ ही रहा हूँ, लेकर आ रहा हूँ। हाँ कर रही है बारिश अधूरी रह गई है हमारी ख्वाहिशें ऐसी ये साजिशें कर रही है बारिश अधूरी रह गई है हमारी ख्वाहिशें देर लगा दी तुमने और छाता क्यों नहीं लेके गए पूरे भीग गए हो अनुज अनुज क्या हुआ क्या हो गया आर यू ओके बोलो ना